नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वेबिनार प्रभावी कानूनी शोध में। आपके साथ हैं आज ऋषभ जोरी, जो आज के इस अवसर पर वेबिनार की पूरी बागडोर संभालेंगे। ऋषभ, यस तो हम शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ जौहरी है। मैं मनुपात्रा में काफी सालों से काम कर रहा हूँ और मैं राजस्थान स्टेट संभालता हूँ। मेरे साथ इस पैनल पर पंकज सर भी मौजूद हैं और आज का जो सेमिनार है हमने स्पेशली हिंदी में रखा है। आप सभी की तरफ से जो भी क्वेश्चन होंगे या क्वेरीज होंगी, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस सेशन के अंत में करेंगे। मैं आपको मनुपात्रा के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मनुपात्रा भारत की पहली कंपनी है जिसने ऑनलाइन लीगल डेटाबेस की शुरुआत की थी सन 2001 में, और आज 22 साल के बाद हमारे पास इंडिया का और इंटरनेशनल डेटाबेस का सबसे बड़ा डेटाबेस मौजूद है। मनुपात्रा में हमने लीगल रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया और उसकी सर्च कैपेबिलिटीज को और बेहतर बनाने के लिए हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया, जिससे कि आपको सबसे रेलेवेंट रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट्स मिले। आज जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उनमें कुछ लोग मनुपात्रा इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि हम उसे कैसे उपयोग करेंगे। आज के सेशन का उद्देश्य है कि हम कम समय में अच्छे और रेलेवेंट रिजल्ट निकाल पाएं और अपने ड्राफ्टिंग के समय पे रिजल्ट का इस्तेमाल ले पाएं। हम शुरुआत करेंगे हमारी वेबसाइट पर जाने से। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम देख पाएं। हमने हमारा ब्राउजर खोला, वेबसाइट का नाम लिखा manupatra.com या manupatrafast.com। यहीं पे हम देख पा रहे हैं कि सीधे हाथ पे हमें ये बोल रहा है अपना आईडी और पासवर्ड डालने के लिए। यहीं पे मैं देख रहा हूँ आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ ये मुझे मेंबर्स पेज में लेके आ जाता है। उल्टे हाथ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट का डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अवेलेबल हैं फ्रॉम 1950 से, जब से सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक के इसमें डेटा अवेलेबल है। अब मैं उसके नीचे देख पा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी उसमें मौजूद है, यानी कि जो जो जजमेंट आने से पहले जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स भी आपको इस पे मिल जाएंगे। वो ऑर्डर्स हमने अवेलेबल कराए हैं 1980 से। इसके बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सारी हाई कोर्ट्स लिखी हुई आ रही है। हर हाई कोर्ट सिंस इंसेप्शन है, यानी जब से वो शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक की है। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट है 1948 से। यहीं पे प्री 1950 में आप देखेंगे तो पुरानी क्या आपको मेरी आवाज आ पा रही है? Yes, sir. It's now. Okay. Okay. So previously also, पहले भी आपको आ रही थी? पहले आवाज आ रही थी, अभी इंटरप्ट हुआ था, अभी आ रही है। ओके, नोटेड, ठीक है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि हमें अदर कोर्ट्स दिखा रहा है। अदर कोर्ट्स में हम देख पा रहे हैं जो प्री इंडिपेंडेंस आजादी से पहले वाली जो कोर्ट्स थी वो भी आपको यहीं पे दिख रही हैं, जैसे फेडरल कोर्ट हो गया, लाहौर कोर्ट हो गया, प्रिवे काउंसिल हो गया। अगर हम प्रिवे काउंसिल पे क्लिक करते हैं तो आपको प्री 1950 का डेटा हम सन 1810 से अवेलेबल करा पा रहे हैं। यहीं पे हम देख रहे हैं कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स भी लिखे, ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशन भी लिखे हुए आ रहे हैं। सारे ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशन हम कवर करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशन कवर करते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ ट्रिब्यूनल के आगे प्लस के निशान भी बने हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी सेंट्रल बेंच है और स्टेट बेंचेस भी अवेलेबल हैं। तो जैसे ही अगर आप किसी ट्रिब्यूनल पे क्लिक करेंगे तो उसकी सेंट्रल और स्टेट बेंचेस भी आपको यहां पे मिल जाएंगी। ये सारे ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस हैं जो हम इसमें कवर करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल डेटाबेस में हमारा इंटरनेशनल आप देखेंगे तो हमने कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग के जो कंट्रीज हैं उन सभी का डेटा इसमें उपलब्ध कराया है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इंग्लिश रिपोर्ट्स, मैरिटाइम रिपोर्ट्स, आपको अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजें, उनकी सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यहीं पे हम एक और क्लासिफिकेशन देख पा रहे हैं, बिजनेस पॉलिसीज एंड इंडस्ट्री मॉड्यूल, यानी कि आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पॉलिसी जो सिंगल क्लिक पे आपको एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरे को इंश्योरेंस में देखना है, मैं जैसे ही इंश्योरेंस पे क्लिक करूंगा तो उससे रिलेटेड एक्ट्स, उससे रिलेटेड बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, रेगुलेशन, प्रेस रिलीजेस,
उसकी गाइडलाइंस है, स्कीम्स हैं, सारी चीजें मेरे को एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएंगी जो भी इंडस्ट्री का मॉड्यूल मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे ही हमने बाकी और क्लासिफिकेशन भी किए हुए हैं। यहीं पे आप देख पा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ एंड टैक्सेशन है, फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स भी हमने इसमें उपलब्ध कराए हैं जिनको हमने दो भागों में बांटा है, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग। जैसे आप नोटिफिकेशन और सर्कुलर देखना चाहते हैं सेंट्रल के, तो हमने यहाँ क्लासिफिकेशन दिया है कि अगर 2020 के बाद के आपको देखते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 2020 के बाद पे क्लिक करते हैं तो ये आपको सारी मिनिस्ट्रीज दिखाता है, हर मिनिस्ट्री के अंदर उसका डिपार्टमेंट है। जैसे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसे ही मैं फाइनेंस पे क्लिक करूंगा उसके डिपार्टमेंट्स आ गए। जिस डिपार्टमेंट के मैं नोटिफिकेशन देखना चाहता हूं क्लिक करूंगा, क्योंकि हमने यहां ऊपर 2020 के बाद पे क्लिक किया था तो इसीलिए हमारे को नोटिफिकेशन सर्कुलर 2020 के बाद के दिखा रहा है। जिस भी नोट साल पे क्लिक करूंगा उसका नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बेराट भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, सेंट्रल के अलग, स्टेट के अलग। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे एक एक्ट देखना है, तो जैसे ही आप बेराट पे क्लिक करेंगे सीधे हाथ पे हमसे पूछता है कि हम आपको एक्ट कैसे दिखाएं, अल्फाबेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, इंडस्ट्री वाइज, मिनिस्ट्री वाइज। हम एबीसीडी के इस्तेमाल से चलते हैं, जैसे ही हमने एबीसीडी पे क्लिक किया तो ये मुझे अभी एक्ट दिखा रहा है ए के हिसाब से। मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद कंट्रोल एफ का इस्तेमाल करूंगा फाइंड करने के लिए कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा मुझे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखना है, जैसे ही मैंने क्रिमिनल लिखा तो ये जहां जहां क्रिमिनल लिखा हुआ आ रहा है मुझे दिखा रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐड के आगे प्लस के निशान बने हुए आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, आप जिस भी प्लस के निशान पे लेके जाएंगे तो वो दिखाता है अमेंडिंग एक्ट, यानी कि इसके जितने भी अमेंडमेंट आपको देखने हैं यहीं पे क्लिक करके आप पुराने अमेंडमेंट भी देख सकते हैं। हमने इसमें कुछ एडिटोरियल फीचर और डाले हैं, यानी कि हर एक्ट के सीधे हाथ पे आप कुछ निशान भी देख पा रहे हैं। पहला निशान है वो कहता है एक्ट इन वर्नाकुलर, यानी कि ये एक्ट अगर आप हिंदी में डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, जैसे ही आप हिंदी पे क्लिक करेंगे ये आपको हिंदी का एक्ट डाउनलोड करके दे देगा। आपके सामने दिख रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो कि हिंदी में है। इसके बाद हम और ऑप्शन देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है। एक ऑप्शन है ब्रीफ फैक्ट, यानी कि मनुपात्रा ने सीआरपीसी पे कुछ फैक्ट्स बना करके अपलोड किए हुए हैं, अगर आप वो फैक्ट देखना चाहते हैं यहीं पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद सीधे हाथ पे मैं देख पा रहा हूँ एक और निशान आ रहा है पार्लियामेंट का बना हुआ, यानी कि इस सीआरपीसी पे कोई बिल पड़ा है पार्लियामेंट में पेंडिंग, अगर मैं वो बिल देखना चाहता हूँ यहीं पे क्लिक कर सकता हूँ। इसके बराबर में चौथा निशान मैं देख पा रहा हूँ एक टेबल बनी हुई आ रही है, वो कह रहा है कंपैरेटिव चार्ट, यानी कि ये एक्ट पहले कुछ और था अब कुछ और है, अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करके देख सकते हैं। सेक्शन वाइज कंपैरिजन आ गया कि पहले इसे 1898 बोला जाता था अब 1973 बोला जाता है, सेक्शन वाइज कंपैरिजन आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और निशान में दिख रहा है टाइमलाइन ऑफ एन एक्ट, यानी कि ये एक्ट पे आज तक जितने भी बदलाव हुए हैं डेट वाइज वो आप चेंजेस देख सकते हैं। जैसे 18 दिसंबर 1978 को क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या सेक्शन इंसर्ट किए गए। यस यस इसके बाद मैं एक और निशान देख रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा है गाइडलाइन ऑफ एन एक्ट, यानी कि ये एक्ट जब से शुरू हुआ था तब से इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी जजमेंट पे गाइडलाइन दी है तो मैं यहीं पे क्लिक करके देख सकता हूँ। किसी भी जजमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये दिखा देगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कब डिसाइड किया गया, पार्टी के नाम क्या है, बेंच की स्ट्रेंथ क्या है और किस सेक्शन पे गाइडलाइन दी गई, यहीं पे आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और निशान है एक्ट इन सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये एक्ट अगर आप डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, प्रिंट लेना चाहते हैं, किसी को सेव करना है, ईमेल करना है, यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें स्टेट के अमेंडमेंट भी इसी में इंसर्ट किए हुए हैं। अब आते हैं कि मुझे सीआरपीसी देखना है, तो मैं जैसे ही सीआरपीसी पे क्लिक करूंगा मेरे लिए सीआरपीसी खुल गया। हर सेक्शन के आगे मैं देख रहा हूँ कि एक लाल कलर का और एक नीले कलर का बटन आ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ सेक्शन 125 ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट, इसके लाल कलर के निशान पे मैं लेके जाता हूँ तो वो दिखाता है व्यू कमेंट्री, यानी कि इस सेक्शन की अगर आप कमेंट्री देखना चाहते हैं यहीं से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद सीधे हाथ पे एक और निशान दिखता है ओपन जजमेंट ऑन सेक्शन 125, यानी अगर आप 125 पे आज तक जितने भी जजमेंट आए हैं अगर वो देखना चाहते हैं यहीं पर नीले निशान पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे जजमेंट दिखा देगा सेक्शन 125 पे आज तक जितने भी आए हैं।
इसके बाद आते हैं कि हमें सेक्शन 125 देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे क्लिक करेंगे 125 पे। ये हमें पूछता है एक्ट देखना है या कमेंट्री देखनी है। हम एक्ट देखना चाहते हैं, सेक्शन 125 कहता क्या है। तो मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे सेक्शन लिखे हुए आ रहे हैं। जो सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है वो येलो हो गया, जो सेलेक्ट किया है उसकी डेफिनेशन मेरे सामने आ गई, और जो सेक्शन मैंने सेलेक्ट किया है उस पे लेटेस्ट मुझे नीचे केसेस दिखा रहा है सेक्शन 125 पे। सो ये आ रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट। अब मैं अगर सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूँ, यहीं पे मेरे पास फिल्टर है, जो भी फिल्टर मैं लगाऊंगा उस हिसाब से मेरे पास चेंजेस आ जाएंगे। इसके बाद आते हैं कि हमें और क्या मिल रहा है। यहाँ पे बिल्स एंड ऑर्डिनेंसेस भी दिखाता है, बिल्स इन पार्लियामेंट। मान लीजिए आप पार्लियामेंट में जो प्रस्तुत हुए बिल्स है वो देखना चाहते हैं, बिल्स इंट्रोड्यूस्ड और पास्ड बाय लोकसभा पे क्लिक करेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गए। हमने क्लिक किया 2023 के ही, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, यहीं पर दिखा रहा है आपके सारे अमेंडमेंट, फाइनेंस बिल, सारी चीजें आपको डिटेल में यहीं पे मिल जाएंगी। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है। इसके बाद आते हैं कि हमें सर्च करना है, तो हम सबसे पहले आएंगे मनु सर्च पे। मनु सर्च पे जाकर के हम अपना कीवर्ड टाइप करेंगे। मनु सर्च आपके इस उपयोग में आता है कि आपको जो भी कीवर्ड है आप अपने दिमाग में फ्रेम आउट करेंगे कि हमें डालना क्या है कीवर्ड, और उसके बाद उस पर सर्च करते हैं। जैसे हम एक मनु सर्च करके देखते हैं, मैंने अपना मिसयूज ऑफ पावर। यहीं पे मुझे दिखा रहा है मिसयूज ऑफ पावर पे जितने भी जजमेंट अवेलेबल है, 34,000 जजमेंट अवेलेबल हैं जिसमें मिसयूज ऑफ पावर की बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट आ रहे हैं, 34,000 में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सर्च एंड रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। सर्च एंड रिजल्ट आपकी जो क्वेरी है उसी के अंदर और फिल्टर लगा देता है। जैसे ही मैं सर्च एंड रिजल्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ऊपर इसने स्पेस खाली कर दी। मान लीजिए मैं यहाँ डालता हूँ कि मुझे देखना है वो जजमेंट जिसमें बेल ग्रांट हो गई हो। मैंने अपना नेक्स्ट कीवर्ड डाला बेल ग्रांटेड और यहीं पर रिफाइन कर दिया। जैसे ही मैं रिफाइन करूंगा तो ये मुझे जजमेंट दिखा देगा जिसमें मिसयूज ऑफ पावर, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, सभी वर्ड्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई आ रही है। और उसके बाद दिखा रहा है आपने अपने नेक्स्ट जजमेंट जो फिल्टर किए हैं, आपके पास 3600 जजमेंट बचे हैं। पहले हम 39,000 जजमेंट देख रहे थे, अब हमारे पास 3600 जजमेंट बचे हैं। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये मुझे गुजरात हाई कोर्ट भी दिखा रहा है, गुजरात हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, मेरे को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखना है। तो हम यहाँ उल्टे हाथ पे देख पा रहे हैं एक फिल्टर हमारे पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट पे टिक करेंगे तो ये आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाएगा, बाकी सारे जजमेंट हटा देगा। अब मेरे पास 160 वो जजमेंट बचे हैं जिसमें मिसयूज ऑफ पावर और बेल ग्रांटेड की बात हो रही है। अब मैं यहां देख रहा हूं, पहला जजमेंट मुझे दिखा रहा है द पावर एक्सरसाइजेबल सो एंड सो, और उसके बाद यहीं पे एक निशान है केस नोट का। ये निशान क्या करता है, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हर जजमेंट के हेड नोट भी यहीं पे निकाल करके दिखा देगा। अब मैं यहां एक और चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि जैसे मैंने देखा पहला जजमेंट आ रहा है रेखा पटेल वर्सेस पंकज वर्मा, दूसरा जजमेंट आ रहा है, तीसरा जजमेंट आ रहा है, हर जजमेंट के सीधे हाथ पे भी कुछ निशान बने हुए आ रहे हैं। पहले पे कुछ निशान है, किसी पे तीन निशान आ रहे हैं, और किसी जजमेंट पे मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि चार निशान भी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जिस जजमेंट पे एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ आ जाता है यानी कि वो जजमेंट ओवररूल हो चुका। अब अगर मुझे ये देखना है कि इस जजमेंट को ओवररूल किसने किया, तो मैं जैसे ही इस रेड कलर के फ्लैग पे क्लिक करूंगा ये मेरे लिए वो जजमेंट खोल देगा जिसने कि इसको ओवररूल किया है। मैं देख पा रहा हूँ यहीं पे मेरे पास वो जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, सुशीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, कौन कौन से जज साहब बैठे थे उसमें, काउंसिल कौन कौन सी अपियर हुई थी, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वो जजमेंट है,
इसमें जजमेंट में इस्तेमाल होने वाले एक्ट रूल्स और ऑर्डर्स की बात, यानी इतने सारे जजमेंट, इतने सारे एक्ट रूल्स और ऑर्डर्स की बात हुई, लेकिन डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ लॉ इतने सारे सेक्शंस नहीं होते हैं, तो हम ऊपर ही रिलेवेंट सेक्शन में अलग से लिख के देते हैं कि ये जजमेंट डिसाइड किस पॉइंट पे किया गया है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 438 पे डिसाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं केसेस रेफर्ड, यानी इस जजमेंट में कौन कौन से केस रेफर किए गए। हर जजमेंट को हमने हाइपरलिंक किया हुआ है, जैसा कि आप देखना चाहते हैं गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए जजमेंट खोल देगा, गुरबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके बाद मैं यहाँ देख पा रहा हूँ नीचे लिखा हुआ है प्रायर हिस्ट्री, यानी कि ये जजमेंट अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का देख रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले भी वो किसी केस साइट किसी हाई कोर्ट में फाइट किया गया होगा। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे दिल्ली हाई कोर्ट का वो जजमेंट खोल देगा। ऐसे ही यहाँ पे एक अलग से सेक्शन लिखा हुआ रहा है ओवरूल्ड, यानी इस जजमेंट ने किस किस सेक्शन जजमेंट को ओवरूल किया। इसके बाद नीचे मैं देख रहा हूँ मोटे अक्षरों में लिखा हुआ रहा है हेड नोट, यानी कि इसका केस नोट। ये क्रक्स है बेसिकली कि आपको पूरा जजमेंट ना पढ़ना पड़े, आइडिया यहीं से लग जाए कि ये है क्या। इसके बाद यहीं पे इसके फैक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं, और इस जजमेंट के आप देख रहे हैं सेवन किसी पे लिखा हुआ है 7.4 7.5, ये वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जहां से ये जजमेंट डिसाइड किया गया। ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे मनुपात्रा की साइटेशन भी लिखी हुई आ रही है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये जजमेंट किताबों में आपको कहाँ मिलेगा वो साइटेशन दिखा देगा। अब आते हैं कि हमें कोई जजमेंट खोलना है, तो हमने जैसे ही यहाँ पे डाला मिसयूज ऑफ पावर। अब मान लीजिए मैं पहला जजमेंट है रेखा पटेल वर्सेस पंकज वर्मा, ये जजमेंट खोलना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज वाले बटन से क्लिक करूंगा। इससे होगा क्या, मैं जो जजमेंट खोलना चाह रहा हूँ वो नई विंडो में खुल गया, और जो जजमेंट आपका रिजल्ट का पेज है वो वहीं का वहीं है। ऐसे ही कोई एक जजमेंट खोल के देखते हैं, ये हमने जजमेंट खोला। ऊपर मैं देख रहा हूँ हर जजमेंट के सीधे हाथ पे कुछ निशान भी आ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं, आप थोड़ा स्लो पेस लेके जाइए। अच्छा ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। अब हम देख रहे हैं ऊपर ही हमें दिखा रहा है कुछ निशान भी बने हुए आ रहे हैं। पहला निशान है व्यू कमेंट्री का, यानी कि अगर मैं किसी भी जजमेंट के ऊपर, मैंने आपको सेक्शन पे कमेंट्री दिखाई थी, जैसे सेक्शन 125 पे हमने कमेंट्री देखी थी, अब इस जजमेंट में भी कुछ सेक्शंस इस्तेमाल हुए होंगे जिनकी कमेंट्री अवेलेबल है। अगर आप वो कमेंट्री देखना चाहते हैं यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कमेंट्री खोल देगा इस जजमेंट में इस्तेमाल होने वाले सेक्शंस के ऊपर। इसके बाद सीधे हाथ पे मैं एक और निशान देख रहा हूँ, वो दिखा रहा है साइटेड इन पैरा। साइटेड इन पैरा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है कि जजमेंट अभी तक कहाँ कहाँ साइट किया गया है। जैसे मैं देख रहा हूँ सविता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में ये जजमेंट साइट किया गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मुझे उस जजमेंट में मेरे पॉइंट मेरे जजमेंट के बारे में जो बात हो रही है वो मुझे निकाल करके दिखा देगा। जैसे मैं देख रहा हूँ सुमित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब करके जजमेंट के बारे में बात हो रही है, यहीं से मैं पढ़ भी सकता हूँ, और अगर जजमेंट मैं ओपन करना चाहता हूँ यहीं पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे जजमेंट भी ओपन कर देगा। इसके बाद मैं एक और निशान देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पीडीएफ का निशान भी लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहीं पे प्रिंट करके निकाल भी सकता हूँ। अब हम आते हैं कि हमें कोई और सर्च करनी है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च पे गया और अपना कोई जजमेंट सर्च करते हैं, जैसे मुझे देखना है जेंडर जस्टिस पे, मैंने जेंडर जस्टिस अपना कीवर्ड डाला। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम अपनी आदत बनाएंगे इस ऑरेंज वाले बटन से जजमेंट ओपन करने की, मैंने ये जजमेंट ओपन किया। इसके बाद यहाँ पे कुछ निशान और आ रहे हैं, एक निशान है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ का, यानी कि ये जजमेंट के वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जजमेंट में साइट किए गए, वो मैं कैसे देखूंगा। यहीं पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इसका या सर वो क्या हो रहा है कि स्क्रीन थोड़ा ना फ्रीज हो रहा है, मतलब कि जो निशानों के बारे में आप हमें बोलना चाह रहे हैं वो हम देख नहीं पा रहे हैं पूरा पूरा, मतलब अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा सर? अभी ये जो नया पेज आ गया ये तो दिख रहा है, लेकिन आप पहुंचे कैसे वो सब समझ में नहीं आया अभी थोड़ा। ठीक है, 10 मिनट सर लगभग ऐसे दोबारा से आते हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं, हम निशानों के बारे में दोबारा से बात करते हैं। पहला निशान है व्यू कमेंट्री का। व्यू कमेंट्री का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको मैंने एक सेक्शन पे कमेंट्री दिखाई थी सेक्शन 125 पे। अब इस जजमेंट में भी कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जिनके ऊपर कमेंट्री अवेलेबल है,
अगर आप वो देखना चाहते हैं यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए कमेंट्री खोल देगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे निशान पे, वो दिखाता है इम्पोर्टेंट पैराग्राफ। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जैसे ही आप इस पैराग्राफ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे उस पैराग्राफ पे लेके चला जाएगा, उस वो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिखाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में आगे साइट किए गए। कैसे देखेंगे हम, यहाँ एक पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं, ये दिखा रहा है विशाखा का एक पैराग्राफ है, वो कह रहा है द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स आर टू बी रेड इनटू देम, ठीक है। इसके आगे मैं देख रहा हूँ, जी सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही है, आप एक बार वाईफाई रीलोड कर देख लीजिए, प्लीज एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। मेरे पास तो स्क्रीन क्लियर आ रही है। अभी मेरे पास स्क्रीन क्लियर, इट मे बी द सम ऑफ द इशू ऑफ द पर्सन हु आर व्यूइंग, जो देख रहे हैं ना उनका नेट का मे बी द इशू हो सकता है। मेरे पास स्पीड फाइन आ रही एकदम, नहीं मेरे पास क्लियर दिख रही थी, मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, ठीक है, वॉइस भी क्लियर आ रही है। अभी अभी हम शुरू करते हैं वापस, हम यहाँ देख रहे हैं अभी अभी बताइएगा प्लीज, है ना, अगर कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन में। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पैराग्राफ की बात हो रही है, द इंटरनेशनल कन्वेंशंस आर नॉर्म आर टू बी रेड इनटू देम, ये पैराग्राफ आगे दो बार एज इट इज साइट किया जा चुका है। कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक जजमेंट दिखा रहा है चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे दिखा देता है कि एज इट इज जहां इस पैराग्राफ को कोट किया गया था। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर चलता हूँ तो यहाँ पे ये बता भी देता है कि बात क्या हो रही है, द कोर्ट रेफर्ड टू 1993 ट्रीटी ओपिनियन एज द मीनिंग ऑफ द कन्वेंट फंडामेंटल राइट्स, सो एंड सो, जो भी बात हो रही है। अब अगर ये मेरे पॉइंट पे अगर ऑब्जर्व कर रहा है और मेरे जजमेंट ये काम का है तो मेरे पास यही एक ऑप्शन है ओपन करने का इस जजमेंट को। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए चारू खुराना वाला जो जजमेंट है जिसने इसको एज इट इज पैराग्राफ को कोट किया है, मेरे लिए वो जजमेंट खोल दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि हमें और क्या क्या निशान दिख रहे हैं। एक और निशान दिख रहा है साइटेड इन पैरा। साइटेड इन पैरा का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कोर्ट कहती है कि लेटेस्ट ले आइए कहाँ साइट किया गया था, या फिर आप अपनी रेफरेंस के लिए खुद देखना चाहते हैं कि जजमेंट आज तक कहाँ कहाँ साइट किया गया। जैसे ही मैंने साइटेड इन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स पे उस पर क्लिक किया तो ये दिखा रहा है आज तक ये 573 टाइम्स साइट किया जा चुका है। ये रही 573 की लिस्ट पूरी डेट वाइज। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया किसी भी जजमेंट पे तो ये मुझे दिखा देता है कि चारू जो हमने जजमेंट खोला है उस बारे में कहाँ पे बात हो रही है। ये दिखा रहा है 25.4 पॉइंट का पैराग्राफ है, इस बारे में बात, ठीक है। इसके बाद एक और निशान में देख पा रहा हूँ, यहाँ मुझे दिखा रहा है इंटरेक्टिव टाइमलाइन, यानी कि ये जजमेंट की आज तक की हिस्ट्री। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाता है कि इस जजमेंट का आज तक क्या क्या रहा है। नीचे मैं देख पा रहा हूँ ये केस आज तक 585 टाइम्स साइट किया जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में 81 टाइम्स, हाई कोर्ट में 504 बार, सबसे रिसेंट ये साइट किया गया है 30 जून 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में। आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने टॉप 20 केस डेट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिए, ये रहे डिसेंडिंग ऑर्डर में केसेस। अब हम ऊपर आते हैं, देख पा रहे हैं कि एक केस, इस केस के बारे में एक ग्राफ भी बना हुआ आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देख रहा हूँ सारी कोर्ट आ रही हैं, नीचे सारे ईयर आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये केस है, इस केस के मैं देखना चाहता हूँ कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिलाई कहाँ कहाँ किया गया, तो मैं साइटिंग रेफरेंस पे आऊंगा और रिलाइड ऑन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने रिलाइड ऑन पे क्लिक किया तो ये वो बबल्स आ गए, बबल्स मतलब वो जजमेंट है, जिस बबल पे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वो उस जजमेंट के बारे में डिटेल बता देगा। जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ एक जजमेंट है सोसाइटी ऑफ अनएड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस खुद आगे 147 टाइम साइट किया जा चुका है। साइटिंग रेफरेंस है रिलाइड ऑन, यानी इस जजमेंट पे रिलाई किया गया। अगर आप यही साइटेशन मनुपात्रा की साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जजमेंट भी खोल देगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर, मैं देख पा रहा हूँ एक और बटन आ रहा है केस मैप का। केस मैप आपके लिए तब इस्तेमाल में आता है, हम इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझाते हैं। लेफ्ट बीच में हम देख पा रहे हैं सेंटर में वो जजमेंट आ रहा है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ जजमेंट आ रहे हैं वो जजमेंट हैं जिनको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ने साइट किया।
सीधे हाथ पे वो जजमेंट आ रहे हैं जिन्होंने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को साइट किया, ठीक है। लेजेंड पे मैंने क्लिक किया तो ये जो कलर कोड आ रहा है उस कलर कोड का मतलब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जो ब्लू वाले हैं वो मेंशन किए गए, जो ग्रे वाले हैं वो रिलाई किए गए, और जो येलो वाले हैं वो डिस्कस किए गए। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, किसी भी एक जजमेंट पे अगर आप अपना कर्सर लेकर के जाते हैं तो ये दिखाता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन करके एक जजमेंट है, इसने ये दो वो जजमेंट को रिलाई किया जो कि मेरे काम के हैं। अब अगर ये मेरे जजमेंट को रिलाई कर रहा है तो मैं जजमेंट खोलना भी चाहूंगा, यहीं पर मैं क्लिक करूंगा, नो मोर का निशान है, जैसे ही आप नो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वो जजमेंट भी खोल देगा। यहीं पर आपके लिए सारी साइटेशन लिखी हुई आ गई, ये वो जजमेंट है जो मेरे पॉइंट पर रिलाई कर रहा था। ऐसे ही एक और निशान हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है हाईलाइट कैचवर्ड, जो भी आपने कीवर्ड डाले हैं वो कहाँ कहाँ मेंशन किए गए वो दिखा देगा। इसके बाद इसके जैसे सिमिलर और जजमेंट्स जो लोगों ने देखे हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो आपको निकाल करके दिखा भी देगा कि इसके जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ये तीन चार जजमेंट और हैं जो कि सिमिलर हैं जो इन लोगों ने और देखे इसके साथ साथ। इसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल करके दे देगा। ये पूछता है हेड नोट के साथ मैं प्रिंट दूं या विदाउट हेड नोट, मैंने हेड नोट के साथ दिया और ये मेरे लिए प्रिंट आउट मनुपात्रा का आ गया। ऊपर ही ऊपर आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट साइटेशन लिखी हुई आ रही है, यानी कि ये जजमेंट किताबों में आपको कहाँ मिलेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कौन सी पार्टी का नेम है, ऑर्डर, और यहीं पे नीचे लाइसेंस नेम भी लिखा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और निशान दिख रहा है सेव टू माई केस, ये हमारा एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में आने वाले समय में एक वेबिनार और किया जाएगा, उसमें डिटेल में बात की जाएगी। इसके बाद एक और निशान है ईमेल दिस डॉक्यूमेंट, यानी ये अगर आप ईमेल करना चाहते हैं ये एज एन अटैचमेंट किसी पे भी चला जाएगा, आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहीं से आप ईमेल कर पाएंगे। इसके बाद एक और निशान है ये स्टिकी नोट का है, अगर आप कोई स्टिकी नोट अपना कोई नोट डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से डाल सकते हैं। इसके बाद आप मान लीजिए हम एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, आप कहते हैं मुझे क्रिमिनल का काम है और ये क्रिमिनल में मेरे लिए लैंडमार्क जजमेंट है, ये कुछ ऐसे जजमेंट है जो मेरे बार बार काम आते हैं, तो यहीं पे एक निशान है सेव दिस डॉक्यूमेंट, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको लिस्ट दे देगा कि आप अपने कौन, ये मैंने अपनी समझ के हिसाब से फोल्डर बनाए हुए हैं, आप क्रिएट न्यू फोल्डर पे जाएंगे और अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको मेन होम पेज पे मिल जाएंगी। इसके बाद यहीं पे आपके पास फॉन्ट छोटा बड़ा करने का ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको पीडीएफ रेप्लिका भी दिखाता है, ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक है इसकी ओरिजिनल कोड की कॉपी डाउनलोड करने का, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो कोड की ओरिजिनल वेबसाइट से कॉपी मिली है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक नीचे आप देख रहे हैं BLJR, ये एक जर्नल की कॉपी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जर्नल की कॉपी भी डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोटो स्टेट है किताब का, तो ये भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद हैं ये हमने देखा मनु सर्च, फिर फिल्टर लगाए, और उसके बाद देखा कि हम अगर लेटेस्ट जजमेंट कैसे देखना चाहते हैं तो यहीं पे हमारे पास एक ऑप्शन है सॉर्ट बाय का, जैसे ही आप सॉर्ट बाय पे जाएंगे डिसीजन डेट न्यूएस्ट पे करेंगे तो ये आपको आपके पॉइंट पे जो भी लेटेस्ट जजमेंट आए हैं वो आप यहीं से निकाल पाएंगे। उसके बाद कोर्ट वाइज फिल्टर लगाना है या जैसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब आते हैं हम लीगल सर्च पे, लीगल सर्च का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको अपलेंट या रेस्पोंडेंट जो भी पार्टी का नाम पता है वो डालते हैं, जैसे मेरे को एक पार्टी का नाम है मनेका गांधी करके एक जजमेंट है, मैं वो देखना चाहता हूं, मैंने यहाँ पार्टी का नाम डाला और उसके बाद सर्च किया। जैसे ही मैंने ये सर्च किया तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ मेरे लिए वो जजमेंट आ गए, सारे जजमेंट आ गए, उसमें से मैं फिल्टर कर लेता हूँ मेरा वाला जो जजमेंट है जो मैं देखना चाह रहा था, ये मैं देख रहा हूँ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो जजमेंट आ गया और जजमेंट क्लिक करके खोल भी सकते हैं आप। इसके बाद आते हैं लीगल सर्च में और क्या क्या फिल्टर है। एक और ऑप्शन हमें दिखाता है सब्जेक्ट वाइज फिल्टर करने का, जैसे आप देखना चाहते हैं कोई जजमेंट जिसमें क्रिमिनल की बात हो रही है और उसमें सर्च करेंगे तो ये आपके लिए वो जजमेंट निकाल देगा जिसमें क्रिमिनल का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइटेशन सर्च पे, साइटेशन सर्च का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास कोई पब्लिशर की साइटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पब्लिशर पे जाएंगे और अपना साइटेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मुझे देखना है मान लीजिए SCC या कोई भी एक जजमेंट देखना है, SCC मैंने सेलेक्ट किया, ईयर डाला,
मान लीजिए मैंने डाला 2002, वॉल्यूम नंबर डाला, पेज नंबर डाला। अब मैं देख पा रहा हूँ जितनी भी वॉल्यूम 2002 में आई थी वो सारी यहाँ लिखी हुई आ गई। यहीं पे मैंने एक सेलेक्ट किया और एक जजमेंट निकाल लिया, ये हमारे लिए वो जजमेंट आ गया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज के बारे में अवगत कराना चाहूंगा, जो है साइटेशन में न्यूट्रल साइटेशन। जैसा कि ये नाम खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें आपको किसी भी प्राइवेट पब्लिशर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको आने वाले सालों में एक ऐसा साइटेशन मैकेनिज्म बन जाएगा जिसके लिए आपको कोर्ट के प्रिंट लेने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आपको उस पर रिलाई करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे देश में इसी लास्ट ईयर ही ये चालू हुआ है, जबकि यूएस, यूके और सिंगापुर जैसी मेजर ज्यूरिस्डिक्शन में ये सन 2000 से चल रहा है। आगे आने वाले समय में ये हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसे रेगुलर फॉलो करेंगी और आपको किसी भी प्राइवेट पब्लिशर पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले 2-3 सालों में आपको इसका भी बहुत अच्छा उपयोग दिखेगा। अब आते हैं कि मनु सर्च पे, एक और कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं। हम कोई सर्च के टिप्स और जानते हैं कि कैसे कैसे सर्च की जा सकती है। सर्च के बराबर में ही आप ऑरेंज कलर का एक बटन देख पा रहे हैं सर्च टिप्स का। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है कि आप तरीके सर्च करने के कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है नॉर्मल क्वेरी, यानी आपने जो भी कीवर्ड डाला स्पेस दे करके वो उस पर जजमेंट निकाल के दे देगा। दूसरा तरीका एक और दिखाता है फ्रेज क्वेरी, यानी कि कोई भी अगर आपने कीवर्ड डबल कोटेशन में डाला तो ये एज इट इज जहां जहां वो जजमेंट में लिखा गया है एज इट इज निकाल करके दे देगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है नेगेटिव कीवर्ड का, टू एक्सक्लूड डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ स्पेसिफिक कीवर्ड, यानी कि जो भी वर्ड आपको नहीं चाहिए जजमेंट में लेकिन वो बार बार आ रहा है तो आप उसके आगे लगा देंगे माइनस का साइन, तो वो एक्सक्लूड कर देगा वो वाले जजमेंट जिसमें कि वो पॉइंट की बात हो रही है। ऐसे ही एक और ऑप्शन है नियर ईच अदर सर्च करने का, यानी कि अगर आप मान लीजिए बात करते हैं कि मुझे देखना है लिव इन रिलेशनशिप पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप एक साथ जरूरी नहीं है लिखा हुआ हो, अगर वो थोड़े डिस्टेंस पे भी लिखा हुआ हो तो भी मैं सर्च करना चाहूंगा, तो यहाँ नियर ईच अदर पे क्लिक करेंगे और अपना कीवर्ड डालेंगे। और सर्च करेंगे तो ये आपको 20 वर्ड्स के डिफरेंस पे वो जहां जहां लिखा गया है वो निकाल करके दिखा देगा। ऐसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है असिस्टेड सर्च। असिस्टेड सर्च का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कोई कीवर्ड, जो अभी मैंने आपको चीजें समझाई वो आप यहीं पे जैसे एग्जैक्टली दिस फ्रेज में वो चीज डालेंगे जो कि आपको एज इट इज लिखी हुई चाहिए, नन ऑफ दीज वर्ड्स में वो चीज डालेंगे जो हमने माइनस करके लगाई थी, और प्रॉक्सिमिटी दे करके कि हमें कितने वर्ड्स में सर्च करना है वो भी आप यहाँ पे दे करके कर सकते हैं, जैसा अभी हमने लिव इन रिलेशनशिप के साथ किया। अब आते हैं कि हमें और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या दिखा रहा है। कुछ टेबल ऑफ कंटेंट पे और देख लेते हैं। यहीं पे हम देख पा रहे हैं कोर्ट फीस फॉर्म्स रूल्स हैं। जैसे कोर्ट रूल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी कोर्ट्स के फॉर्म्स आ गए। आप राजस्थान पे क्लिक करा तो ये आपको फॉर्म्स रूल्स सब निकाल करके दिखा देगा। ये हमारे लिए वो फॉर्म्स आ गए जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ड्राफ्ट है, एग्रीमेंट, डीड्स, ये सब चीजें भी यहीं पे डली हुई हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे एफिडेविट, ड्राफ्ट, डीड सब चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। इसका एक रेफरेंसर भी है, आप अगर चाहें तो हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो यहीं पे ऊपर एक ट्रेनिंग का बटन है, ट्रेनिंग पे जाएंगे और एक यूट्यूब हर चीज के ऊपर वीडियोस डली हुई हैं, वीडियोस हाउ टू यूज मनुपात्रा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हर एक पॉइंट के ऊपर वीडियो बनी हुई है। जैसे अगर आप मनु सर्च ही देखना चाहते हैं यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे और वहीं से आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई चीज अगर आपको इसमें लगती है, मेरी तरफ से यही है। अगर आपको कोई और पॉइंट है प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है क्या कुछ? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने क्या कर रखा है, जैसे आप अभी आपने देखा होगा कि जो इन्होंने सर्च किया जेंडर जस्टिस के ऊपर में, तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले विशाखा की जजमेंट ऊपर में आ गई, तो वो जो सर्च पैरामीटर है मनुपात्रा की जो सर्च पैरामीटर है वो इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें दिया हुआ है
कि जो भी आपकी मोस्ट रेलिवेंट जजमेंट है आपको फर्स्ट पेज पर ही दिख जाए, इनिस्टिट की दूसरी पेज पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो जो भी सबसे रेलिवेंट जजमेंट है आपकी फर्स्ट पेज पर ही आ जाती है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको वो दिखता है, वो सब सारी चीजें उसी में निहित की गई है। नहीं जैसे कोई पैराग्राफ लिख के ढूंढते हैं ना आर्टिफिशियल, वैसे सर उस तरह का वो तो जो आप जैसे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के बजाय सर जो भी आप कीवर्ड ढूंढना चाहते हैं आप मनु सर्च में लिख देंगे तो उससे रिलेटेड आपको रेलिवेंट रिजल्ट पहले आ जाए, वो चीज़। ठीक है सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कोई एक सिचुएशन है, अब बीइंग अ जैसे मैं फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ तो अभी बहुत सारी चीजों में मैं मेरी क्लैरिटी नहीं है, तो एक सिचुएशन है जैसे किसी ने कुछ बताया तो उस सिचुएशन के हिसाब से इसमें सर्च कर सकते हैं क्या वो? सर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ इसमें। ये सर जैसे हमने जो मनु सर्च दे रखा है ठीक है सर, या लीगल सर्च दे रखा है, सपोज दैट मैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर मैं काम करूँ ठीक है सर, या इंसॉल्वेंसी के ऊपर मैं काम करूँ, तो लीगल सर्च में जाएंगे ठीक है सर, और यहाँ से मैं सॉर्ट कर सकता हूँ कि इंसॉल्वेंसी की जजमेंट ही मैं केवल देखूँ, तो इंसॉल्वेंसी को कर करके मैं सर्च कर लूंगा ठीक है सर। ओके इसको सर्च कर लिया तो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जजमेंट सारी आ गई सर। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी जो एक सब्जेक्ट टॉपिक है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स से फॉरेन इन्वेस्टर ठीक है सर, तो इसमें एक सजेस्टिव कीवर्ड भी आता है, इधर आप देखेंगे इधर कीवर्ड का लिस्ट भी आ रहा है, सजेस्टिव भी कीवर्ड भी देता है, बट आपके जहन में जो आप जिस टॉपिक पर सर्च करना चाहते हैं ऊपर में एक फिल्टर का ऑप्शन है रिजल्टिंग सर्च इन रिजल्ट। अब इसमें जैसे आपने लिख दिया फॉरेन इन्वेस्टर, तो ये क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर ये क्या करेगा, जो इंसॉल्वेंसी के अंदर ही सर्च कर रहा है, इंस्टीट्यूट की हो ये नहीं कर रहा है कि फॉरेन, स्पेलिंग गलत हो गया, तो आपको उस तरह से वो करेंगे तो आ जाएगा। ओके सर ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिख दो, FOREIGN ठीक है, इन्वेस्टर सर्च कर लो, रिफाइन कर लो, रिफाइन करती है। तो ये सर आपका क्या गया, मैंने इंसॉल्वेंसी के अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टर सर्च किया, तो ये आपका ये सारी जजमेंट उसके ऊपर में ये आ गई, तो इस तरह से आप इसको नैरो डाउन कर सकते। और इसमें दूसरा एडवांटेज एक और है, एक इसको जैसे सपोज दैट ये वाला अरुण कुमार जगमात्रा वाला जजमेंट हमको अच्छा लगा, ये मोस्ट रेलिवेंट जजमेंट ऊपर आ रहा है, तो इसमें आप देखें कि एक टॉप में जाएंगे तो इसमें एक मेंशन इन करके ऑप्शन आता है सब्जेक्ट के नीचे में, थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा नीचे करना, यहाँ पर मेंशन इन का ऑप्शन आता है, सपोज दैट ये जजमेंट हमको अच्छा लगा जो फॉरेन इन्वेस्टर इंसॉल्वेंसी के ऊपर में, बट ये जजमेंट आगे कई सारे जजमेंट में रेफर्ड हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसमें सर्च करो, तो आप इन मेंशन लिंक को क्लिक कर दीजिए, मेंशन लिंक को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी ठीक है, तो आपको उस तरह से फिर इसमें आपकी जो रिक्वायर्ड जजमेंट आप निकाल सकते, तो इस तरह से आप नैरो डाउन कर सकते। तो मनु पात्रा इस तरह से आपको हेल्प करता है इसमें, जो AI इनबिल्ट AI दीमेंट की हुई है, एडिटोरियल टीम ने जो काम किया हुआ है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लीगल सर्च में, रिसर्च प्लीज क्लिक ऑन द लीगल सर्च, और इसमें मैं सब्जेक्ट में जाता हूँ क्रिमिनल, मैंने क्रिमिनल को क्लिक कर दिया कि सब सब्जेक्ट में जैसे बेल डाल दिया, और मैं चाहता हूँ डिस्पोजिशन जो है सब्जेक्ट डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ स्टेट कर दिया, इन फेवर ऑफ स्टेट कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि एज ए पीपी मैं किसी गवर्नमेंट का देख रहा हूँ, और हमको चाहिए कि जो डिस्पोजिशन तो इलाहाबाद की जैसी डिसीजन आ रही है इन फेवर ऑफ, तो इस तरह से आप उसका भी एडवांटेज दे सकते। तो ये सब एडिटोरियल एनहांसमेंट की हुई है, AI का अलग यूसेज है और एडिटोरियल एडवांस एनहांसमेंट जो की, दोनों को आप कंबाइन कर करके ये सारा रिजल्ट को आप यूज कर सकते। ओके सर, आप में से किसी एक जन ने पूछा कैन वी कनेक्ट चैट जीपीटी विद मनु पात्रा, सर्टेनली चैट जीपीटी के बारे में आपको ही पता है कि चैट जीपीटी की जो डेटा आप उस पर सर्च करेंगे तो उसमें खुद ही बताते हैं कि वो डेटा अभी 2021 तक की सम डेट ऑफ द 2021 तक की डेटा, तो सर्टेनली मनु पात्रा इज फार अहेड ऑफ दैट चैट जीपीटी फॉर द लॉ, तो चैट जीपीटी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता बट यू कांट, और लिखते भी अपने उसमें
हमारा डेटाबेसेस जो है हम सुप्रीम कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट की डिसीजन देते हैं वो कोर्ट की डिसीजन होती है, उसमें सर्च पैरामीटर हमने दे रखा, दिस इज नॉट द ओपिनियन ऑफ एनीबॉडी। तो आप क्या करते हो, जो जज साहब की जो जजमेंट दी उसके अंदर आप सर्च करो, सो दिस इज द फार मोर रेलिवेंट देन द चैट जीपीटी एज पर। शुक्रिया आप सभी का आज के वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, शुक्रिया ऋषभ सर, पंकज सर एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।